हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है शहीनो फाउंडेशन, ये बेसिकली 2019 से वर्क कर रही है और इसके फाउंडर हमारे जो बहुत ही खास दोस्त जो हैं उसामा रियाज हैं। 2019 से अब तक हमें तकरीबन एक साल हो गया है जो ग्राउंड वर्किंग हमने स्टार्ट की हुई है। तो शहीनो फाउंडेशन का हम पहले बैकग्राउंड बताएंगे और उसकी फिर वर्किंग बताएंगे, हमने क्या क्या वर्किंग कर ली है और आगे हम फ्यूचर में क्या क्या वर्किंग करने वाले हैं। तो हमारा जो शहीनों बनाने का जो बिलीव था वो हमारा यही था कि जो इकबाल ने हमें कंसेप्ट ऑफ खुद ही दिया था कि खुद को पहचाने और खुद को पहचानते हुए अपने साथ के जो लोग हैं उनको लीड करें। तो हम लोगों ने उसी इकबाल का जो था ये मोटो उसको हमने लेते हुए इकबाल के आइडिया के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इस खुद ही को पकड़ लिया और इकबाल के जो आइडियाज है ना उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो बेसिकली मोटो है वो यही है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। मतलब ये है कि हमने खुद तो आगे बढ़ना है लेकिन हमारे साथ साथ जो बाकी हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो सब लोग भी हमारे साथ उसी तरह आगे बढ़े जिस तरह हम लीडर्स आगे बढ़ते हैं। हमने सिर्फ खुद को नहीं बनाना, हमने पाकिस्तान की जो कौम है ना हमने इसको एक कौम बनाना है, एक ऐसी कौम जो इमामत करेगी पूरी दुनिया की। तो उसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा बिलीव था वो यही था कि हम लोग अपनी अवाम को इतनी अवेयरनेस दें कि वो लोग एक दुनिया की इमामत करने के लिए खड़ी हो जाए। तो ये हमारा बिलीव था और हमारा मोटो भी था। अब जो हमारा शहीनों का जो मिशन है वो ये है कि हम लोग ने किस तरह अब अपनी अवाम की हेल्प करनी है, वो यही थी कि हमने सबसे पहले तो गुर्बत खत्म करनी हमने नहीं है, हमने सिर्फ कोशिश करनी है। किसी को खाना खिलाना हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वो बाकी रिस्क देने वाला अल्लाह की जात है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हमने काफी लोगों की हेल्प की इस पेंडेमिक में और इससे पहले भी हम काफी लोगों की हेल्प कर चुके हैं जो हमारे फेसबुक पेजेस पे अपलोडिंग है सारा मटेरियल वगैरह, अगर आपको सर्च करना चाहिए हमारे पेजेस को तो जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी है, वो इस तरह नहीं देनी कि हमने किसी की सीवी ले लिया और उसको कहीं पर जॉब लगा दिया, ये हमने सिफारिश वाला काम नहीं करना। हमने किस तरह किसी को जॉब देनी है वो इसी तरह है कि हमने उसको एजुकेट ऐसा करना है, हमने उसको स्किल ऐसी प्रोवाइड करनी है, हमने उसको काम सिखा देना है कि उसको हुनर मिल जाए, वो खुद कमाने के काबिल हो जाए। जैसे अभी हम आप लोगों को ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स फ्री करवा रहे हैं, वो इसीलिए करवा रहे हैं कि अगर आप कल को कहीं पे खुदा न खास्ता कहीं पे जॉबलेस हो या कहीं पे जॉब नहीं मिल रही तो आप कम अज कम अपने जोगा कमा सकें, आप इतना कमा सकें कि आप भूखे ना मर सकें। तो ये उसी के लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हमने कोर्स करवाया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें। फिर हमारा एक और मिशन वो ये था कि हम एजुकेशन के मामले में ना उन लोगों को जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने फंड्स नहीं होते, हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे कि वो अगर तो उनके ग्रेड जो हैं वो काफी अच्छी है तो हम उनको कुछ फंड या स्कॉलरशिप के थ्रू हम उनको उनकी हेल्प कर सके ताकि वो अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम जिन जिन लोगों की आजकल आप लोगों को पता ही है कि मैरिजेस कितनी मुश्किल हो चुकी हैं, तो जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हम सिर्फ उनकी हेल्प करें, बाकी जो उनका मामलात है वो खुद करते रहें, हम सिर्फ उनकी हेल्प करें। इसी तरह अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि क्योंकि इलाज भी काफी महंगी है, तो हम उनकी एड दे सकें, फाइनेंशियल हेल्प कर सकें किसी की कि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं वो उसको सॉल्व कर सकें और बगैर किसी डर से कि हमें कोई मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर सकता या हमारा कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकता। तो ये चीजें जो है हमारी जो मोटोज हैं या हमारे एम्स हैं उसमें ये चीजें ऐड हैं। उसी तरह हम अवेयरनेस के अब जैसे कि अब ये कश्मीर से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं या पाकिस्तान में प्लांटेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, उस तरह के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें और अवाम को बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इससे कितना पाकिस्तान को इफेक्ट हो सकता है। तो हमने पाकिस्तान की हेल्प करनी है, पाकिस्तान की अवाम की हेल्प करनी है। तो ये चीजें जो है ना ये भी हमारी सोसाइटी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद हम ये सेमिनार्स वगैरह मीटिंग और ये वेबिनार्स और वर्कशॉप्स हम ये सारी अरेंज करते रहते हैं, पहले भी हमने काफी की हैं और आगे इन फ्यूचर में भी हम सब लोग ये करते रहते हैं। इसी तरह हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं जो
आवाम के आवाम को हम फ्रीली मेडिकल सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपना इलाज करवाएं और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ें फ्रीली हमसे मेडिसिन वगैरह ले लें या कोई भी ब्लड डोनेशन वाला ये थैलेसीमिया का आजकल काफी चल रहा है तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम लोग हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो ये था हमारा मोटो भी और ये हमारी वर्किंग है कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे और इन फ्यूचर में हमारे प्लान क्या क्या हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कोई क्यूरी है तो आप जरूर करें, आप उनके माइक खोल दें और वो हैंड रेस करेंगे जो भी ये बात करना चाहेगा। तो वॉइस का थोड़ा सा इशू है कि बस थोड़ी सी कम है, लेकिन इतना है कि सबको आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा थोड़ा सा शाहिनो शाहिनो का इंट्रोडक्शन तो बता देता हूँ आपको कि शाहिनो के ना बेसिकली 5 एम्स हैं। हमने एम्स क्यों बनाए इसकी रीज़न बहुत लेंथी हो जाएगी, बट जो 5 एम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शाहिनो ऑल ओवर पाकिस्तान ब्लड प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस ब्लड देते हैं। जिसके अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम ऑल ओवर पाकिस्तान बिल्कुल फ्री एज अ वॉलंटियर अपने आप को मुल्क के लिए दे रहे हैं और उनके उनके लिए ब्लड इशू सॉल्व कर रहे हैं। शाहिनो ने एक साल में 2000 से ज़्यादा लोगों को ब्लड दिया है। इसके बाद शाहिनो क्लॉथ बैंक है जिसमें हम हर सीजन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोग हमें क्लॉथ्स देते हैं जो आपके यूजेबल होते हैं, जो मतलब आप यूज करके छोड़ चुके होते हैं और वो अच्छी कंडीशन में होते हैं कि किसी के काम आ जाए। हम वो आपसे कलेक्ट करते हैं, उनको अपने पास जमा करते हैं और जब अच्छी अमाउंट में हो जाए तो हम वो किसी लोकल एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, हम सर्दियों में भी ये काम करेंगे। डिफरेंट सिटी में हम डिफरेंट टीम्स हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो जॉब नहीं कर सकते, जो इस कंडीशन में होते हैं, लाइक कोई पैरालाइज है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो घर का इकलौता चिराग है। तो ये कुछ कंडीशन है, उसके बाद हम उनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और रोजगार ऐसा होता है कि फुल फ्लैच उसको कम्प्लीट हम सर पे खड़े होके उसको पूरा रोजगार देते हैं। लाइक टक शॉप्स होगी, अगर वो बेवा है तो उनको सिलाई कढ़ाई की मशीन इवन के सिखा भी देते हैं। अगर कुछ ऐसा मसला है कि वो जॉब नहीं कर सकता तो उसके घर में उसको सामान ला कर दे देंगे हम और वो वहां से अर्न करेगा। ये हमारा एम इसलिए है ताकि कोई कल को हम नहीं होंगे लेकिन वहां पे हमें असाले सवाब भी मिलता जाएगा। बेसिकली ये एम इसलिए था। चौथा हमारा है दस्तखान। हमारा फ्री दस्तखान होता है और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइम पे। पांचवा हमारा एजुकेशन पे है जो कि ये भी कॉज एजुकेशन में ही आता है अगर हम फ्री ग्राफिक्स में प्रॉपर कर रहे हैं। बाकी किसी को क्वेरी है तो मुझसे पूछ ले। जी शाहिन रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, उसकी एनिवर्सरी जनवरी में, 4 जनवरी को हमारे हमें 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब बाकी हम कोर्स की तरफ चलते हैं। अताउल्ला आप स्क्रीन शेयर करें ताकि कोर्स शुरू करें हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अताउल्ला हाशमी और आज हम इलस्ट्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल भी आ रही थी कि इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कैसे करें, तो हम दोबारा से वहां से स्टार्ट करेंगे कि इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी क्वेश्चंस हैं काइंडली आप कोर्स के बाद पूछिएगा। अताउल्ला आप कंटिन्यू रखें और सर्टिफिकेट जरूर मिलेंगे। तो मैं एक बात आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, जो जिप फोल्डर है वो आपके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो ना आप वहाँ से भी डाउनलोड से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आके
माई कंप्यूटर से आगे डाउनलोड्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास zip फोल्डर आ गया, यहाँ से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये zip फोल्डर, ये हमारा इलस्ट्रेटर 2019। तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी फाइल्स जो हैं वो zipped हैं, इनको अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसी ये डाउनलोड्स वाला जो फोल्डर है इसी में ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आहिस्ता से एक्सट्रैक्ट होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अरे यार zip फाइल दोनों बेसिकली एक जैसी ही होती है, बस आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। आप राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें। बिल्कुल ये बात है। जिस तरह हम RAR फाइल जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह हम zip फाइल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी विंडोज 7 है तो आपको RAR फाइल नजर आएगी zip फाइल की जगह। ये हमारा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये खुद ही ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने तीन फोल्डर्स और एक फाइल आ जाएगी सेटअप की, ठीक है। तीन फोल्डर्स जो हैं उनको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, और सेटअप को हमने देखना है, ठीक है। तो सेटअप को हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, कोई मसला हो गया, चले हम इसको इसी सॉफ्टवेयर को कहीं और से ओपन कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। ये ओपन हो चुका है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ओपन होता है ये, और ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा जैसे आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ अमेरिका की लैंग्वेज सेलेक्ट होती है, इंग्लिश, ठीक है, और हम इसको इंटरनेशनल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जैसे ही कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो ये इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होता है, हम देखते हैं सामने, तो उसके साथ साथ इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन जो है वो जारी रखते हैं कि इलस्ट्रेटर का मकसद क्या है। इलस्ट्रेटर का ये मकसद है कि आप जो फाइल्स प्रिंटिंग के लिए यूज होती हैं वो बना सकें, या कोई चीज आपने बहुत हाई रेजोल्यूशन में बनानी है वो बना सकें, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एक होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो बना सकें ताकि वो जब हम उसको जूम करें तो वो पिक्सेलेट ना हो, ठीक है, और हम उसको जितना जूम करना चाहें इतना जूम करके देख सकें। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको ओपन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इधर डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट नहीं मिलता तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पे स्टार्ट में जाएं, ठीक है। यहाँ पे Adobe Illustrator 2019 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी नजर नहीं आता तो आप यहाँ पे सर्च करें, आपके सामने Adobe Illustrator आ जाएगा। Adobe Illustrator जो है वो बेसिकली वेक्टर फाइल, वेक्टर का काम करने के लिए यूज होता है। एक होता है रास्टर काम और एक होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फाइल जो होती है वो जितनी भी जूम करो आप उस वो पिक्सेलेट नहीं होती, और जो रास्टर फॉर्म होती है फाइल की उसको आप जूम करेंगे तो वो पिक्सेलेट होगी। प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दें। ये इसका इंटरफेस है इलस्ट्रेटर 2019 का,
ठीक है, और यहाँ से हमने कल भी पढ़ा था कि यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और कोई फाइल हमने ऑलरेडी किसी जगह पे सेव की हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना काम सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर की कोई फाइल है, ठीक है, और ये शाहीनों का यहाँ पे एक पोस्टर है, ठीक है, वही हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह ये हो गया, यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिसेंट वर्क में कोई भी नहीं है, हमने रिसेंटली कोई फाइल क्रिएट नहीं की, ठीक है, अपनी कस्टमाइज्ड फाइल क्रिएट नहीं की। जब हम सेव्ड में जाएंगे, हमने सेव भी कोई टेम्पलेट सेव नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल स्क्रीन के टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, और वेब डिजाइनिंग, वेब जो होती हैं वेबसाइट्स पे पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए जो यूज होते हैं, ये जो साइज होते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग में जैसे लेटर साइज हो गया, A4 साइज हो गया, लीगल साइज हो गया, और A3, B4, B5 इस तरह से साइज दिए हुए हैं ऑलरेडी। और फिल्म एंड वीडियो यहाँ पे भी और साइज दिए हुए हैं, और आर्ट इलस्ट्रेशन, ये पोस्टर्स वगैरह, और ये स्टैंडर्ड साइज जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। इनके साथ आपको यूनिट्स भी लिखी हुई नजर आ जाएंगी, वो भी आप डिसाइड कर लें कि कितनी यूनिट्स का आपको कोई टेम्पलेट जो है वो चाहिए, या आपका आर्ट बोर्ड जो होता है वो कितनी साइज का होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे A4 साइज ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी यूनिट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे जो साइज आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ये ब्लीड एरिया वगैरह जो है ये हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, ये हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह और बाद में देखेंगे। अभी हम एक आर्ट बोर्ड, ये हो गया नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, ठीक है, तो हम अभी एक आर्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हमें 100 आर्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है, तो ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी एक ही आर्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अभी सिंपली जो है स्टार्ट में आपको इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसकी और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं कि उनको यूज कर सकते हैं, अगर सामने हूं तो इजीली यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसका जो पुराने वर्जन्स हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाते थे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्योंकि ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है ये, ठीक है, और हम यहाँ से उनको वापस ला सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे एसेंशियल टूल्स हैं, ठीक है, एसेंशियल जो हैं वो सामने रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इसको क्लासिक मोड जो है उस पर कर लेते हैं, एसेंशियल क्लासिक पे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सामने बहुत सारे और भी टूल्स, ऊपर टूल बार आ गया है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, ये टूल जो हैं ये ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, इसलिए हम एसेंशियल क्लासिक पे काम करेंगे। और उसके बाद हमें आज और क्या डिस्कस करना है कि इलस्ट्रेटर का यूज क्या होता है। इलस्ट्रेटर में वेक्टर फाइल्स बनती हैं, ठीक है, इलस्ट्रेटर का ये यूज होता है कि उसमें वेक्टर फाइल्स, हम यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, तो हम इसमें कोई कलर कर देते हैं, कलर करना सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। और अभी जो है
हम ये देखेंगे कि वेक्टर फाइल्स होती क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको जूम करेंगे, ठीक है, तो ये जूम होता जा रहा है, जूम होता जा रहा है, ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा। देखें आप, ये 51,000 टाइम ये जूम हो चुका है, ठीक है। इसका एक कॉर्नर नजर आ रहा है और ये 51,000 टाइम जूम हो चुका है, और इसको हम सामने ले आते हैं। इसके बाद ये हमने देख लिया कि ये वेक्टर में है, ठीक है। अभी हम अगर कोई रास्टर इमेज लाएं, ठीक है, जो हमारी इमेजेस होती हैं वो रास्टर होती हैं, ठीक है। जिस तरह ये डॉग है, डॉग की इमेज लेके आते हैं हम इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो ये देखें, ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है, मगर इसको हम जब जूम करेंगे तो ये पिक्सेलेट हो जाएगी। यहाँ पे पिक्सल्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, स्क्वायर साइज में बॉक्स होते हैं, तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, वो पिक्सल्स होते हैं। जिस तरह आपकी आम कोई इमेज है वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब आप उसको जूम करते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा वेक्टर इमेज बनेगी, उसको आप रास्टर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अभी इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स जो हैं, जिनसे काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी टूल पे जाके क्लिक करें आप, उनसे ये नहीं है कि उनके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है, उनके बगैर काम हो सकता है, मगर उनसे ये होता है कि आपका काम फास्ट हो सकता है, ठीक है। आज उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ से आप, यहाँ पे आप लेके आए, देखें ये टूल्स हैं, टूल बार है हमारा, ये टूल बार है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो हमारे लिखा हुआ जाता है कि ये सिलेक्शन टूल है, और वी प्रेस करने से ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखें, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेके आए, ठीक है, और उसके बाद मैजिक टूल, ये इसका शॉर्टकट भी आगे लिखा हुआ है, उसके बाद लास्टर टूल, ये सब हम टूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और जिस तरह टाइप टूल है, उसके बाद जो शेप टूल है, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे साइड पे एक एरो सा दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको और भी शेप्स बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसी के रिलेटेड हैं, इसलिए एक ही टूल बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका पता नहीं होता, शुरू शुरू में सब स्टूडेंट्स को यही मसला पेश आता है कि सर ये हमारा टूल बार गायब हो गया है, ठीक है, और ये भी गायब हो गया है, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो चुका है, ठीक है, और इसी तरह सब कुछ गायब हो चुका है हमारा, हम क्या करें, कहाँ से लाएं, ठीक है, हमें मिल नहीं रहा कहीं से भी। तो उसके लिए ये है कि आप विंडोज में जाएं, ऊपर ये वाले ऑप्शन कभी नहीं खत्म होते, विंडोज में जाएं, ठीक है, उसके बाद वर्क स्पेस में जाएं, ठीक है। वर्क स्पेस में हमें लिखा हुआ नजर आएगा रीसेट एसेंशियल क्लासेस, ठीक है, और हम रीसेट करेंगे तो हमारा जो सब टूल्स हैं हमारे वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अभी हम यहीं पे सॉल्व करेंगे इनको। आज हमने क्या क्या पढ़ा के इंस्टॉल कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर को, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इलस्ट्रेटर किस लिए यूज होता है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी शॉर्टकट्स क्या हैं, और इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ा इलस्ट्रेटर का,
ठीक है, शॉर्टकट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको जब भी इस किसी भी टूल पे हम अपने माउस को रखेंगे तो वो बता देगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, ये कौन सा टूल है, ठीक है। और इसी तरह और भी बहुत सारे इस साइड पे भी टूल हैं, हम सब को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, सब चीजें सीखेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया आज का इंटरफेस। इसके बाद हमने कुछ चीजें पढ़नी है जो मैं अभी चाहता हूँ कि आपको जल्दी से पता चल जाए, ठीक है, बाद में आपके लिए देर हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से पता चल जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीजी स्किल्स के बारे में, ठीक है। डीजी स्किल्स एक प्लेटफॉर्म है, इंट्रोड्यूस कराया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो digiskills.pk, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ये बहुत सारी स्किल्स सिखा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह फ्रीलांसिंग होगी, ऑटो कैड, क्रिएटिव राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, SEO, वर्डप्रेस और क्विक बुक्स और ग्राफिक डिज़ाइन और ई कॉमर्स मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी और फिर दोबारा से फ्रीलांसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, इन इन पे अगर क्लिक भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें आपको इसमें इनरोल करना चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि आपको क्या होना चाहिए, हु कैन ज्वाइन, ठीक है, एनीवन हैविंग बेसिक आईटी नॉलेज वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद इसी के साथ हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब अभी बैच 8 स्टार्ट हुआ है इसका, ठीक है, बैच नंबर 8, ठीक है, और उसकी इनरोलमेंट्स अभी जारी हैं, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, साइन अप करके आप यहाँ पे अपनी सब कुछ डिटेल्स वगैरह डालें, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की तरफ से, ठीक है। ये आपको मैं ये चाहता हूँ कि आपको आप में से हर कोई इसमें इनरोल करे, ठीक है, इसमें बहुत अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाई जाती हैं, और यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हम घर बैठ के कैसे कमा सकते हैं, कोई पैसा कैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, और जो स्किल्स हैं वो कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ आप अगर यहाँ से सीखेंगे आप लोकल मार्केट में भी काम कर सकेंगे, ठीक है। अभी जब आप साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन अप के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, सब डिटेल्स डाल के फिर आपको आएगा कि